बिहार के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। लगातार आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक आप लोगों को लेकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अधिकारियों के द्वारा आप लोगों की फ्रेश विस्तृत करें, यानी कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं लगातार अपने वेतनमान, बोनस, ग्रेचुएटी और जो भी उन लोगों को नियमितीकरण करने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रियाधीन है, उन सभी से कब तक उन लोगों को नवाजने की काम की जाएगी, उनमें कब तक जो है प्रक्रिया को गति से पूर्ण किया जाएगा, इसको लेकर के लगातार आप लोग इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं यहां पे आपको बता दूं कि संविदा कर्मचारियों को सही अपडेट देने का काम जो लोग नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो है दिक्कत यहां पर यह है। खबर कुछ और रहती है, दिखाया कुछ और जाता है। मैंने अक्सर कई ऐसे ऑब्जर्वेशन में देखा है कि लगातार संविदा कर्मचारियों को दिग्भ्रमित करने का जो काम किया जा रहा है वो कहीं से सही नहीं है। इस तरह का तुच्छ वाला लक्षण जो है वो आदमी को छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार से संविदा कर्मचारियों को इतने दिनों से 40,000 हो गया, 30,000 हो गया, 50,000 हो गया, आप लोग एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, सरकार जो पिछले प्रेस वार्ता में की है तो उन्होंने सरकार स्पष्ट रूप से कहा 3.33% की बढ़ोतरी करने पर सरकार विचार कर रही है। अब 3% से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग भी जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को 3% डीए में वृद्धि की गई है तो उनको कहीं ना कहीं उनके सैलरी ज्यादा होता है, इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन संविदा कर्मचारियों को लेकर के 3.33% की बढ़ोतरी करने को लेकर सरकार जो बातचीत की है उस पर कहीं ना कहीं सरकार को ऑब्जेक्शन सस्टेंड करना पड़ा, इसीलिए उस प्रेस रिलीफ को जो है कहीं ना कहीं बाहर नहीं आने दिया गया, क्योंकि वो बाहर आता तो कहीं ना कहीं फिर से उग्र हो जाता संविदा कर्मचारी। भाई 3% आप बढ़ा रहे हैं उससे क्या कुछ होने वाला है? बहुत बढ़ेगा तो उससे आप लोगों को वही जो जानकारी आ रही है, मैक्सिमम जो संविदा कर्मचारियों की जो सैलरी है उसके हिसाब से आकलन किया गया उसे 3300 से लेकर के और वही 5,000 रुपये तक उनके जो है जो अभी के वेतनमान है, अभी के मानदेय है, उनमें उनको जो है सम्मिलित करके दिया जाएगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो जानकारी सही इकट्ठा करने की बातचीत जहां पे आती है तो सारे लोग फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि विभागीय स्तर से उनके अब पहुंच ही नहीं है, और जब तक विभागीय स्तर से पहुँच नहीं होगा तब तक कैसे आप लोगों को लेकर के सही जानकारी आएगा? ये बात तो आप लोग भी जानते हैं। आज के इस खबर में तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर, जैसा कि मैंने खबर के शुरुआत में आप को कहा, तो आज की इस खबर में मैं आपको प्रूफ भी दिखाने का काम करूंगा। ऐसा नहीं कि आप लोग के सामने आकर के और हवा हवाई कह करके और चले गए और आप लोग फिर से मूर्ख बन गए। मूर्ख बनाने के इच्छा से हम लोग खबर नहीं बनाने का काम करते हैं। और आप लोग भी जानते हैं कि वर्ल्ड रिपोर्ट जिस माध्यम से काम कर रहा है, राज्य से लेकर के केंद्र तक पहुंच बनाए हुए हैं, और राज्य से लेकर के केंद्र तक में जो भी बातचीत होती है तमाम जानकारी आप लोग को खबरों के माध्यम से देने का काम करते हैं। तो सही जानकारी जो होती है थोड़ा सा तीखा होता है लेकिन आनंद देता है। आनंद इसीलिए देता है कि आप लोग भ्रमित नहीं रहे। तो चलिए सीधे खबर में आगे बढ़ते हैं और तमाम जानकारी आप लोग को बताते हैं। मैं इसीलिए आप लोग को खबर के शुरुआत में थोड़ा सा लेक्चर दे देता हूं। ये आप लोग लेक्चर ही समझते होंगे लेकिन ये आप लोग के लिए अवेयरनेस है, क्योंकि जिस प्रकार से यूट्यूब पर खबरें जो है लगातार प्रसारण की जा रही है उसमें कोई तथ्य और कुछ फैक्ट नहीं होता है, सीधे आकर के कुछ बोल दिए हो गया। अब यहां पर मैं जैसा कि आप लोग को जानकारी देने वाला हूं तो आप लोग को यह भी बताने वाला हूं कि कितने संविदा कर्मचारियों को फर्स्ट फेज में तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएगी, जो कि सीधे विभागीय स्तर से जानकारी है। ऐसा नहीं कि आप लोग के सामने आकर के कुछ भी बोल दिए, तो जो भी जानकारी है सीधे विभागीय स्तर से बताएंगे। थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए, आप लोग के इन तमाम सुविधाओं में कितने वित्तीय भार सरकार पर पड़ने वाली है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो सीधे आप लोग को ले चलते हैं और आपको बताते हैं खबरों के माध्यम से। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा अपील करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, खबर को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। इससे हम लोगों को पॉजिटिव मोटिवेशन बनता है और आप लोग भी जानते हैं इसी मोटिवेशन के तहत हम लोग आगे काम करते हैं। और जैसा कि मैंने आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को गिनवाया है, मैंने आप लोग को उंगली पे काउंट करवाया है कि आप लोग को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। और आप लोग को मैं बता दूं कि ये बात है, ये बात मैं अपने मन से नहीं बल्कि ये बात जो है नवभारत टाइम्स, जो आप लोग भी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटेड मीडिया है, उन्होंने भी अपने प्रिंट में इसको जो है कहीं ना कहीं छापने का काम किया था। साथ ही उन्होंने जिस प्रकार से आप लोग को लेकर के ट्रायल चलाया था उसके हितों से जानकारी देने का काम किए थे। साथ ही आपको बता दें कि हिंदुस्तान प्रिंटेड मीडिया ने भी आप लोग को लेकर के जो विज्ञापित की थी उसके हिसाब से आपको बताने का काम किए थे, वो भी प्रूफ के साथ बताने का काम किए थे, क्योंकि सरकार एक ही लाइन में कहती है
कि संविदा कर्मचारियों को अब संविदा कर्मचारी समझने की आवश्यकताएं नहीं है। तो सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा, सिर्फ हम बोल दिए कि संविदा कर्मचारियों को समझना नहीं होगा तो इससे थोड़ी हो जाएगा। आप लोग को तमाम तरह की सुविधाएं मिले, इसको लेकर के जब सरकार काम करेगी तभी तो वो समझेंगे कि हाँ हम लोग संविदा कर्मचारी नहीं, हम लोग के साथ सरकार जो है सौतेला व्यवहार नहीं कर रही है, हम लोग के साथ सरकार जो है तमाम तरह के समझौते और नई नीति के अनुसार जो है तमाम तरह की सुविधा देने की बात होगी। वो अलग बात है कि आप लोग को अभी भी आउटसोर्स और संविदा का ही अलाउंस सरकार देगी, आप लोग को किसी भी प्रकार से जो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उसके हिसाब से आप लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके हिसाब से नहीं मिलेगा लेकिन सैलरी में जब ग्रेड पे जोड़ा जाएगा, वीडीए जैसी व्यवस्था जो है उसमें अलाउंसेस जोड़े जाएंगे तो आप लोग की सैलरी एक स्टैंडर्ड लेवल की तो हो जाएगी, एक जो मिनिमम जो वेज होता है उसके हिसाब से जो सरकार ने श्रमिकों के लिए जो तय किया है उसी के आधार पर आप लोग को तो मिल सकता है। तो बातचीत जो होती है वो सीधे विभागीय स्तर से होती है, और जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो अभी अपर मुख्य सचिव हैं यानी कि अमृत लाल मीना जो हैं लगातार सक्रिय से काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार से आप लोग भी जानते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव जो है वो बदल चुके हैं, यानी कि प्रधान सचिव जो है वो अभी अब खेल विभाग के प्रधान सचिव हो गए हैं डॉक्टर बी राजेंद्र। अब देखिए कितना यहाँ पे इफेक्टिव हो गया है, यानी कि संविदा कर्मचारी तो समझ रहे हैं कि डिटर्मिनेशन प्रक्रिया पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है, और कहीं ना कहीं जो सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव जो पूर्व में थे उन्होंने इस पर साइन वगैरह करके इसे जो है कहीं ना कहीं एक्टिवेट मोड में डाल दिया है। लेकिन उसी समय क्या होता है कि प्रधान सचिव जो कि आप लोगों को मैं बताते चलूं कि कुछ दिन पहले तक जो है कि तमाम विभागों का प्रधान सचिव का तबादला होता था, लेकिन डॉक्टर बी राजेंद्र जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव थे उनका तबादला जो है उनको किसी भी प्रकार से कोई और विभाग में नहीं ट्रांसफर की जाती थी, क्योंकि उनको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की पूरी जानकारी, पूरी उनको जो है क्या कब होना है क्या कुछ नहीं होना है इस तमाम बातों की जानकारी उनके माइंड में सेट था और उसी के हिसाब से काम चल रहा था। अब यहाँ पे सरकार पर भी सवाल उठता है कि भाई सरकार का मंशा नहीं है, तभी तो सरकार जो कभी नहीं हुआ उसको भी करने को लेकर के तैयार हो गई है। आप लोगों ने देखा है और जो भी जानकारी है सीधे विभागीय स्तर से आपको देने को लेकर के काम कर रहे हैं, और आपको मैं बता दूं कि किसी विभाग के लिए प्रधान सचिव का क्या महत्व होता है ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार जानबूझ करके आप लोगों के फाइलों में पेच फंसाना चाहती है, आप लोग के कार्यों में पेच फंसाना चाहती है, जिसको लेकर के संविदा कर्मचारी और हताश और निराश हो रहे हैं। देखिए सही जानकारी थोड़ा सा कड़वा होगा लेकिन सही जानकारी आप लोग को आनंद देने का काम करेगा, आप लोग को आगे चल करके जो है कहीं ना कहीं ये लगेगा कि जो भी जानकारी थी सही थी। सही के लिए ही ना यूट्यूब पर आप लोग देखने के लिए खबर आते हैं कि गलत खबर आप लोग देख करके टीआरपी बढ़ाने आते हैं किसी और का, तो इसीलिए कहते हैं कि सही खबर आप लोग देखने का काम कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो कहा गया है जो भी डिटर्मिनेशन प्रक्रिया चल रही उससे अलग हट करके जो विभागीय स्तर पे कहा गया है कि बिहार सरकार का बड़ा फैसला है कि 50,000 संविदा कर्मी को किए जाएंगे नियमित और सालाना उनके वेतन मान पर 700 करोड़ रुपए होंगे खर्च, यानी कि तमाम तरह की सुविधाओं में सरकार को जो वित्तीय भार जो वहन करना है वो 700 करोड़ रुपए करना है, जो कि कम राशि नहीं होती है। फर्स्ट फेज में उन्होंने पहले चेक करके ये साधने का काम किया है कि हम 50,000 को सुविधा देकर के देखते हैं क्या कुछ होता है, और तमाम जानकारी के साथ हम जुड़ेंगे।